हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का अपना सवाल है। देखिए, 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 8 वर्षों में ₹7500 का साधारण ब्याज कितना होगा। ध्यान से देख लीजिएगा सवाल। यहाँ पे देखिए आपको क्या, ये 7500 दिया गया ना, ये मूलधन है। क्या है? मूलधन, यानी कि P बराबर 7500। साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि SI बराबर क्या करना है आपको, यहाँ पे निकालना है, ज्ञात करना है। आर दर कितनी दी गई है? 6%। समय कितना की दर से 8 वर्षों में, यानी कि समय दिया गया आपको 8 वर्ष, टी बराबर 8 वर्ष। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, सिंपली SI निकालना है। तो SI बराबर होता है P गुणित R गुणित T वटा 100। तो यहाँ पे आपको सिंपली SI बराबर P की वैल्यू 7500, R की वैल्यू 6 और T की वैल्यू 8 बटे 100। तो जी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ऐसा ही आएगा। गुणा कर लेंगे सिंपली, 75 गुणित 6 गुणित 8, तो 8 6 48, 75 गुणित 48, 75 का और 48 का गुणा कर लेंगे सिंपली। यहाँ पे SI बराबर 75 गुणित 48। तो देखिए 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 7 56, 56 और 4 60 गुणित 4 5 20 का 0 हासिल 2 और 4 7 28, 28 और 2 30। तो यहाँ पे 0 0 6 और 3, यहाँ पे ₹3600 आपका जो है ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 3600।